लूट के जा रहा है तो वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सामने से अगर कोई आ रहा है तो आपको बताया त्यागी बिरादरी से हम तो पीछे हटने वाली तो बात ही नहीं है। रही बात राष्ट्रीय त्यागी युवा संघ की, तो राष्ट्रीय त्यागी युवा संघ आज की डेट में 25,000 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऑल इंडिया में 6 स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं और सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जिसके मैं जुड़ा हूँ, हमारे भाई जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश तक के हमारे भाई आए हैं, उनका मैं अपने आपके मान मंच से धन्यवाद करता हूँ। राष्ट्रीय त्यागी युवा संघ की टीम आपके मंडुला गांव के जो भी आसपास के किसान हैं, जो भी गांव हैं, उनके लिए पूरा समर्थन करती है। रही बात गांव सुन के धरने की, यहाँ से अगर धरना कलेक्ट्रेट पहुंचता है, कलेक्ट्रेट को भेजने की तैयारी भी अगर होगी तो ऑल इंडिया का त्यागी, मैं गारंटी ले रहा हूँ, ऑल इंडिया का त्यागी कलेक्ट्रेट पे पहुंचेगा। और अगर यहाँ बात नहीं बनी तो जंतर मंतर पे हम आपके साथ कंधे से कंधा लगा के मिला के साथ खड़े होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। किसानों के लिए मुझे इतना बताया, जब एक साल में गन्ना तोड़ा के हम लोग आते थे गांव में, तो किरौनी शुगर फैक्ट्री है हमारी, डायरेक्ट सेंटर का ले जाता है गन्ना, तो पिताजी हमारे जब पूर्ण बात होती थी, पिताजी से कमी होती है, मम्मी से ज्यादा होती है, तो वो कहती है कि पेमेंट नहीं मिली। हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी को ये नहीं पता कि अगर किसान अपना गन्ना तोड़वाने के बाद दे के उधार दे के आ गया, उसे ये नहीं पता तेरे पेमेंट कब मिलेगी। इस चीज को कोई ना तो समझता ना किसी ने समझने की कोशिश करी, भाई मैं अपनी चीज दे के आ रहा हूँ और उधार चीज मैंने दे दी, उसका मुझे ये नहीं पता मुझे पैसे कब मिलेंगे। ये बात कोई हल्की बात नहीं है भाई, कोई इंसान ऐसा है ही नहीं कि जो अपनी चीज देके उधार है ये नहीं पता उसे पैसे कब मिलेंगे। तो इस दुख को मैं तो बहुत समझ सकता हूँ और मुझे ये पता है कि अगर मैं इस दुख में आपके यहाँ साथ आया हूँ तो कल को किसी भाई का अगर दुख है तो आप भी अपने घर नहीं बैठ पाओगे, मेरे साथ चलने के लिए क्या